हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट और आज हम 2021 में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हर साल सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आज हम देखेंगे कि ये अवार्ड्स किन किन वेरियस कैटेगरीज में किन किन लोगों को दिए गए ऑल राइट right, तो चलिए शुरू करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशनस में अच्छा परफॉर्म कर सकें ओके okay, चलिए शुरू करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है और ये अवार्ड इनको इनकी मूवी लक्ष्मी में एक्सलेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है ओके okay, तो 2021 के दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार जी को दिया गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ओके okay, और इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को और इनको ये अवार्ड इनकी मूवी छपाक में उमदा एक्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है देखिए छपा एक ऐसी मूवी है जिसमें महिलाओं पर एसिड अटैक होने के बाद में उनकी लाइफ कैसी होती है तो किस तरीके से उनको सर्वाइव करना पड़ता है ये मूवी इस थीम पर है तो इस मूवी में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देने के लिए 2021 में इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को और ये अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की जो कैटेगरी होती है ये एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और इन अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट मूवी को और ये एक साउथ कोरिया की मूवी है राइट जिसको डायरेक्ट किया है हो ने और इस मूवी ने 2020 के ऑस्कर अवार्ड्स में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था और इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर बोंगजू हो उन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था तो 2021 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इनकी इस मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है और देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल फीचर फिल्म है सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मे अपियर इन योर एनी एग्जामिनेशन राइट लेट्स मूव ऑन और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है तन्हा को द अनसंग वॉरियर और ये अजय देवगन की एक मूवी है तो 2021 के दादा साहेब फालके अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है तन्हा को और देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे भी एग्जामिनेशनस में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है राइट बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है देखिए अभी जो हमने देखा है वो है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म और ये है बेस्ट फिल्म राइट वो इंटरनेशनल यानी कि बाकी की सारी कंट्रीज में से जो एक फिल्म सेलेक्ट की गई है इस फेस्टिवल में वो उस कैटेगरी से है और यह है एक इंडियन फिल्म ओके सो दिस क्वेश्चन टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट लेट्स मूव ऑन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है अनुराग बासू जी को और इनको ये अवार्ड लूडो मूवी के लिए दिया गया है लूडो मूवी को एक कमाल की मूवी बनाने के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है और देखिए ये कैटेगरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2021 के दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है अनुराग बासु जी को राइट लेट्स मूव ऑन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्रांत मैसी जी को और इनको ये अवार्ड छपाक मूवी में एज ए सपोर्टिंग एक्टर उमदा प्रदर्शन के लिए दिया गया है ओके okay, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्रांत मैसी जी को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है राधिका मदान जी को और इनको ये अवार्ड अंग्रेजी मीडियम मूवी में एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस उम्मदा एक्टिंग के लिए दिया गया है और ये अंग्रेजी मीडियम मूवी आप सब जानते हैं ये इरफान खान साहब की मूवी थी तो 2021 के दादा साहेब फालके अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है राधिका मदान जी को और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ओके okay, देखिए अभी तक हमने जितनी भी कैटेगरीज कवर करी हैं दीज ऑल कैटेगरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट right, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया है के के मैनन साहब को और देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इससे भी आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ओके okay, के के मैनन साहब को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया है इन 2021 दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नौरा फतेही जी को और इनको ये अवार्ड मैनी सॉन्ग्स लाइक गर्मी साकी साकी नाच मेरी रानी में ज़ोरदार डांसिंग परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है तो इन्होंने लास्ट के वन ईयर में कई गानों में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये बहुत ही कमाल के गाने रहे हैं तो इनकी इन गानों में बहुत ही अच्छी नृत्य कला यानी कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 2021 के दादा साहेब फालके अवार्ड्स में परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ओके और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है तितलियां देखिए जितने भी ऑफ द ईयर के जो अवार्ड हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ओके और इनको याद करना भी काफ़ी आसान है और एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओके और देखिए इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न खेल रत्न पदमा अवार्ड्स गैलेंट्री अवार्ड्स एंड नोबेल प्राइज इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए इन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएंगी राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और दो के दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है डब्बू रत्नानी जी को ओके okay, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ऑफ द ईयर की कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये भी आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है डब्बू रत्नानी जी को ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत जी को और इनको ये अवार्ड पोस्थु मछली यानी कि मरडोन प्रांत दिया गया है और इनको ये अवार्ड दिल बेचारा मूवी में बहुत ही उमदा एक्टिंग करने के लिए दिया गया है और राइट और इनका जन्म 1986 में हुआ था और जून 2020 में इनका देहांत हो गया था जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यह है मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है सुशांत सिंह राजपूत टू में काफी चर्चा में रहे हैं सो दैट इज वाई इनको जो ये अवार्ड दिया गया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कियारा आडवाणी जी को और इनको ये अवार्ड नेटफ्लिक्स फिल्म गिल्टी के लिए इनको दिया गया है इस फिल्म में इनकी बहुत ही उमदा अदाकारी रही है सो दैट इज़ वाई शी हैज़ बीन अवार्डेड बाय क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन राइट लेट्स मूव ऑन और देखिए बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल का अवार्ड दिया गया है कुणाल खेमू जी को और इनको ये अवॉर्ड लूटकेस मूवी में उमदा अदाकारी के लिए दिया गया है तो लूटकेस मूवी में उमदा एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल का अवार्ड दिया गया है कुणाल जी को राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है 2021 में धर्मेंद्र जी को ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री तो ये बहुत लंबे समय के लिए एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में किसी एक्टर के द्वारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है और दो में दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओके okay, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट मे बी आस्ट इन योर एनी एग्जामिनेशन whatever एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है मिस्टर चेतन भगत जी को और आप इनके बारे में बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं इनका लिटरेचर में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं और इनकी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ओके okay? कि ये बुक किस ऑथर ने लिखी है तो इंडियन सिनेमा में इनकी बुक्स पर मेनी फिल्म बन चुकी हैं तो इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर का अवार्ड चेतन भगत जी को दिया गया है एंड दिस अवार्ड टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परसपेक्टिव राइट आप प्लीज इसको याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके लेट्स मूव ऑन एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूज़िक इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है मिस्टर अदनान समी जी को और देखिए आप इनके बारे में भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने दिए हैं और ये इसके लिए काफ़ी फेमस हैं ओके तो 2021 के दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूज़िक इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है मिस्टर अदनान सामी साहब को और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए हम जितने भी आउटस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एंड टी सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है कुंडली भाग्य को आप लोग इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से अवेयर होंगे कुंडली भाग्य एक टीवी सीरीज है तो 2021 के इन अवार्ड्स में टीवी सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है कुंडली भाग्य सीरीज को ओके एंड बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है पूछा जा सकता है दो okay, तो 2021 में बेस्ट वेब सीरीज का किसको दिया गया है आगे right, बढ़ते हैं एंड वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है बोबी दे अवार्ड आश्रम सीरीज में उमदा एक्टिंग के लिए दिया गया है ओके okay? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो हम कवर कर रहे हैं ये जो अवार्ड्स हम कवर कर रहे हैं यदि ये आपको अच्छे लग रहे हैं इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप इनको लाइक like और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ओके और आपको ये भी बताना है कि ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है आपके हिसाब से किसको दिया जाना चाहिए था ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वेब सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन जी को और इनको ये अवार्ड इनकी सीरीज आर्या में इनकी उम्दा एक्टिंग के लिए दिया गया है और देखिए आप सुष्मिता सेन जी के बारे में तो बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि इनकी जो एक्टिंग होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की होती है और राइट तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन जी को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है बॉबी देवल जी को राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बेस्ट एक्टर इन टीवी सीरीज का अवार्ड दिया गया है धीरज धूपर जी को देखिए टीवी सीरीज के लेवल के अवार्ड्स हैं ओके तो बेस्ट एक्टर इन टीवी सीरीज का अवार्ड धीरज धूपर साहब को दिया गया है ऑलराइट राइट लेट्स मूव ऑन एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है सुरभि चंदा जी को तो 2021 के दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है सुरभि चंदा जी को एंड स्टाइल दिवा ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है दिव्या खोशिला कुमार जी को तो देखिए ये हैं 2021 में मिलने वाले दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में वेरियस कैटेगरीज में जिन जिन लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं ये सभी वो अवार्ड्स हैं और इनमें शुरू के जो हमने चौदह पंद्रह अवार्ड्स कवर करे हैं दीज ऑल अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके और देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि इस बार इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी होगी और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी ओके और इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें ओके एंड अभी आप एंड स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे हैं दीज ऑल वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय